हे गाइस, मैं हूँ चारू। मैं आपको लॉ के टॉपिक्स करवा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने मुस्लिम मैरिज के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है मुत्ता मैरिज। हमने पढ़ा था कि मुस्लिम मैरिज एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो परमानेंट पीरियड के लिए होती है, पर मुत्ता मैरिज उसकी एक एक्सेप्शन है। मुत्ता मैरिज मीन्स एक मैरिज जो प्लेजर और इन्जॉयमेंट के लिए की जाती है। ये मैरिज फिक्स टाइम पीरियड एंड फिक्स अमाउंट ऑफ डॉर या रिवॉर्ड के लिए की जाती है। जनरली मुस्लिम में मैरिज परमानेंट पीरियड के लिए होती है, पर मुत्ता मैरिज उसकी एक एक्सेप्शन है। इस तरह की मैरिजेस पुराने टाइम में हुआ करती थी, जब लोग ट्रैवल पर या जंग में जाया करते थे। वहाँ उनको बहुत बहुत टाइम रहना पड़ता था, तो वे वहाँ अपने प्लेजर और इन्जॉयमेंट के लिए मुत्ता मैरिज किया करते थे। इस तरह की मैरिजेस अरब कंट्रीज़ में ज़्यादा पॉपुलर थी, पर आज के टाइम में मुस्लिम्स का कोई भी स्कूल इस तरह की मैरिजेस को नहीं मानता है, एक्सेप्ट शिया का इतना असारिया स्कूल। शिया के इतना असारिया स्कूल में आज भी इस तरह की मैरिजेस होती है और इन्हें लॉफुल माना जाता है। एसेंशियल्स ऑफ मुत्ता मैरिज, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। और मुस्लिम मैरिजेस की तरह मुत्ता मैरिज में भी इजाब एंड कबूल मीन्स ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ज़रूरी है। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एक ही मीटिंग में होना चाहिए। अगर ऑफर एक मीटिंग में और एक्सेप्टेंस अलग मीटिंग में होगी तो वह मैरिज वैलिड नहीं होगी। सेकेंड है मेहर। मेहर भी मुत्ता मैरिज के लिए एक नेसेसरी कंडीशन है। अगर डोर स्पेसिफाइड नहीं है तो मैरिज वैलिड नहीं होगी। अगर मैरिज कंज्यूमेट हो जाती है तो वाइफ को फुल डोर देना पड़ेगा, पर अगर मैरिज कंज्यूमेट नहीं होती है तो उस केस में वाइफ को सिर्फ हाफ डोर ही मिलेगा। अगर वाइफ फिक्स टाइम पीरियड से पहले अपने हस्बैंड को छोड़ देती है तो उसका डोर जितना टाइम बचा है उस प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग कट जाएगा। पर अगर हस्बैंड फिक्स टाइम पीरियड से पहले वाइफ को छोड़ता है तो उसे पूरा डोर ही देना पड़ेगा। वह फिक्स टाइम पीरियड एक दिन, एक महीना, एक साल या कितना भी हो सकता है। मुत्ता मैरिज बाय एफ्लेक्स ऑफ टाइम मीन्स फिक्स टाइम पीरियड ख़त्म होने के बाद या हस्बैंड की डेथ से ही ख़त्म हो सकती है। थर्ड है शिया मेल किताबिया सुन्नी शिया फायर वर्शिपर क्रिश्चियन एक्सेप्ट हिंदू से मुत्ता मैरिज परफॉर्म कर सकते हैं। मुत्ता मैरिज कितनी भी की जा सकती है, उसकी कोई लिमिटेशन मुस्लिम लॉ में नहीं दी गई। पर शिया फीमेल सिर्फ मुस्लिम चाहे वह किसी भी सेक्ट या सबसेक्ट से बिलोंग करता हो, शिया हो या सुन्नी, सिर्फ मुस्लिम से ही मुत्ता मैरिज परफॉर्म कर सकती हैं। फोर्थ कंडीशन है मुत्ता मैरिज फिक्स टाइम पीरियड के लिए की जाती है। अगर शादी के टाइम फिक्स नहीं किया गया तो उस केस में वह मैरिज परमानेंट नेचर की हो जाएगी। इद्दत पीरियड, मुत्ता मैरिज अगर कंज्यूमेट नहीं हुई है तो वाइफ को इद्दत ऑब्जर्व करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, पर अगर मैरिज कंज्यूमेट हो जाती है तो उस केस में दो टूहर पीरियड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मुत्ता मैरिज। मुत्ता मैरिज के बच्चे लेजिटिमेट होंगे और वह अपने फादर एंड मदर दोनों की प्रॉपर्टी से इनहेरिट कर सकते हैं। पर मुत्ता मैरिज में वाइफ के पास मेंटेनेंस का कोई राइट नहीं होता, यहाँ तक कि घर का भी नहीं। गाइस, मुत्ता मैरिज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अभी हम पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन सुन्नी एंड शिया लॉ ऑफ मैरिज।
सुन्नी लॉ में मैरिज के वक्त बिना विटनेस के प्रेजेंट के मैरिज इरेगुलर हो गई, पर शिया लॉ में मैरिज के टाइम पर विटनेसेस की प्रेजेंस की कोई ज़रूरत नहीं होती है। सेकंड है, सुन्नी मैरिज वैलिड वॉइड एंड इरेगुलर हो सकती है, पर शिया मैरिज सिर्फ वैलिड एंड वॉइड होगी। सुन्नीस की इरेगुलर मैरिज शिया लॉ में वैलिड या वॉइड होती है। थर्ड है, सुन्नी लॉ में सुन्नी मेल किताबिया से भी मैरिज कर सकता है, पर शिया लॉ में शिया मेल हो या फीमेल नॉन मुस्लिम से मैरिज नहीं कर सकते। फोर्थ है, सुन्नी लॉ में मैरिज परमानेंट नेचर की होती है, पर शिया लॉ में शिया मेल टेम्परेरी पीरियड के लिए भी मैरिज कर सकते हैं, जिसे हम मुत्ता मैरिज कहते हैं। इनके बीच में और भी डिफरेंसेस हैं, जैसे जैसे हम मुस्लिम लोग को आगे पढ़ते जाएंगे मैं आपको डिफरेंस भी साथ साथ कवर करवाती रहूँगी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या आप मुझसे कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइज़।